सेक्स जबरदस्त। और अब नंबर 6 पर है सात खून करने की यादी प्रियंका चोपड़ा और उनके नन्हे मुन्ने फ्रेंड शाहिद कपूर। शाहिद मियां हाइट में इतने चोटे हैं कि कमीने पूरी करने के लिए विशाल भारद्वाज को 2 शायद लग गए थे। खैर, इमोशंस हाइट नहीं बंदे के दिल की गहराई देखते हैं। और उन्हीं इमोशनों के दलदल में फंसकर शायद प्रियंका मैडम को शायद मियां जम गए। मगर शायद भैया किसी भी मामले में अकेले नहीं आते, वो आते हैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। यू सी, वो कैन घोष को फिल्म शूट करना सिखाते हैं, परमीत सेठी को डायरेक्शन सिखाते हैं और विशाल भारद्वाज को मार्केटिंग की ट्रेनिंग देते हैं। हाँ, मतलब कहने का ये कि शायद मियां हर किसी की फटी चद्दर में टांग अड़ाते हैं। ऐसे में उनकी ये क्यूट क्यूट सी हरकत उनकी लव स्टोरीज में कैसे ना हो। बस ये उनका फरमान ये है कि वो किसी भी नॉन वेजिटेरियन लड़की से रिलेशनशिप नहीं रखेंगे। और जी जरा गौर फरमाए, चिकन को अलविदा कहने की जगह अपने कबाब में हड्डी बने नए मित्र शाहिद कपूर को लाइफ साइज से निकाल फेंका प्रियंका ने। जैसे लोग बिरयानी खाने के बाद हड्डी फेंक देते हैं, आथू कहाँ तो वो जमाना था लेडीज एंड जेंटलमैन जब आईटी ऑफिसर्स भी शाहिद को प्रियंका के घर पे पाते थे। आहा, ब्यूटीफुल। और कहा अब उनको पिगी मैडम के दिल से यूं टरका दिया गया है जैसा उनका दिल दिल नहीं अंडे का छिलका हो। ओ लो 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 शाहिद, लोगों को लगा ही था कि देयर हेडिंग फॉर स्पिट्सविल कि अचानक पिगी मैडम ने शाशा भैया का बर्थडे सेलिब्रेट करवा दिया। हेलो कल्लो बात, अब आखिर स्टेटस है क्या? है क्या इन दो यंग बच्चों का रिलेशनशिप का? ये सोच सोच के सब परेशान है। और इस कंफ्यूजन के स्टेट में फंसी हुई पिगी चॉप्स और शाशा की ये जोड़ी इसी के साथ बन गई है हमारे खानदान पर मह कंफ्यूज्ड। आई लव यू लाइक आई हेट यू जोड़ी नंबर 6।